आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ कंट्रोल पे. जैसे कि हमें पता है कि सेल्फ कंट्रोल इज़ वंस विल पावर टू कंट्रोल एक्शंस और बिहेवियर और इमोशंस इवन, तो हम इस पे डिटेल में आज बात करेंगे डॉक्टर इसरार के साथ. डॉक्टर इसरार, सेल्फ कंट्रोल क्या है और आप किस तरह डिफाइन करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन के, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज वेल? जी बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे दिमाग की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं. उसमें एक एबिलिटी जो है वो सेल्फ कंट्रोल की भी है. इसकी अगर आप डेली लाइफ में डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हैं तो वो पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्ज़ामिनेशन अब 6 मंथ्स के बाद है, लेकिन उन्होंने तैयारी अभी इमीडिएटली करनी है और डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, टीवी शोज़ होते हैं, आजकल मोबाइल पे फेसबुक अपडेट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स आ रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें रिजिस्ट करनी होती हैं और एक गोल की तरफ जाना होता है. गोल उनका ऑब्वियसली एकेडमिक अचीवमेंट होता है. और इसी तरह और डिफरेंट मिसालें हो रही होती हैं कि आप सेविंग करना चाह रहे हैं और आप बाहर निकलते हैं और आपको पता लगता है कि कहीं शॉपिंग प्लाजा पे सेल लगी हुई है, तो फिर आप टेम्प्ट होते हैं. तो ये जो सारी टेम्पटेशंस आती हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, वो किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए रिजिस्ट करना, उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं. डिफरेंट मिसालें आप देख रहे होंगे, आजकल कई दफ़ा ड्राइविंग करते हुए ऐसे होता है कि अगर आपको फ़ोन आ गया है तो फ़ौरन से एक अर्ज होती है कि आपने वो आंसर किया जाए और के और वो किसी मैसेज का रिप्लाई आप कर रहे हैं, लेकिन उस इमीडिएट मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप फोकस कर रहे हो ड्राइविंग के ऊपर, तो ये जो अर्ज है इसको रिजिस्ट कर रहे हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल है. तो सेल्फ कंट्रोल बेसिकली अपनी डिज़ायर्स को, अपनी टेम्पटेशंस को, ख्वाहिशात को रिजिस्ट करने का नाम है. और उसका एक मकसद होता है कि मकसद ये कि आप कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं. तो इसमें एक डिसीजन है सेल्फ कंट्रोल में जो आप थ्रू आउट आप करना चाह रहे होते हैं, आपका दिमाग कर रहा होता है कि आप जो फ़ौरन से मिलने वाली का रिवॉर्ड होता है, फ़ौरन से मिलने वाला रिवॉर्ड, उसको आप डिले कर रहे होते हैं और आप लॉन्ग टर्म ये जो थोड़ी देर के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड होता है उसको प्रेफर कर रहे होते हैं. जैसे वही मिसाल एकेडमिक अचीवमेंट वाली थी, पेपर की प्लानिंग वाली थी, या डाइटिंग की अगर आप बात कर लें, वेट लॉस में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आप जब फूड रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है. यानी आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे, आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ता है. बट टेम्पटेशन तो वैसे सेल्फ स्मॉलर गोल्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करना जी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं. एग्जैक्टली, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करना शुरू हो गए तो लॉन्ग टर्म जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो दूर चली जाएंगी, वो आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है या उसको प्रेफर करना है, और जो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस हैं उनको जब आप रिजिस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं. अच्छा, वुड यू से कि कैन वी से दैट कि ये सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस जो है वो बराबर हैं या एक ही है? बिल्कुल आप कह सकते हैं. प्रैक्टिस पेशेंस को किया जाता है सेल्फ कंट्रोल में? बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा सकता है कि पेशेंस जो है वो सेल्फ कंट्रोल का एक एस्पेक्ट है. तो आप एक गोल हासिल करने के लिए आप पेशेंटली आप स्ट्राइव कर रहे होते हैं, तो वो भी सेल्फ कंट्रोल का एक एस्पेक्ट बनता है. डिफरेंट टर्म्स है, अगर हम देखें रिलीजियसली इसको सबर भी कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल, और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है. तो एक ही टर्म है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब की जा रही है और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको नज़र आती है. अच्छा, कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल जो है उसको प्रैक्टिस करना? बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च भी हुई थी. वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बच्चों पे रिसर्च की थी. कुछ बच्चों को उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कि एक कैंडी या मार्शमेलो उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली मिल सकता है, या फिर अगर आप 5 मिनट या कुछ टाइम के बाद अगर आप वेट कर लें तो आपको 2 या 1 से ज़्यादा मार्शमेलो मिलेंगे. तो अब ये एक कंडीशन थी कि जो बच्चे जिनका सेल्फ कंट्रोल कम था वो इमीडिएटली मार्शमेलो लेना चाह रहे थे, और कुछ बच्चे जो थे जिनका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा था वो अपने आप को रोक रहे थे ताकि ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए, ज़्यादा मार्शमेलोज मिल जाएँ. अब ये आगे जाके जब उन्होंने फॉलो किया था कुछ सालों के बाद, जब ये स्कूल्स में गए थे बच्चे और आगे एकेडमिक और प्रैक्टिकल लाइफ में गए थे, तो ये हाई अचीवर्स थे. इनके एकेडमिक ग्रेड्स भी अच्छे थे, इनकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे थे, इनकी हेल्थ भी अच्छी थी. तो सेल्फ कंट्रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके हर डिसीजन में मैटर करता है, और आप अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू, और आपकी उसकी वजह से रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकती हैं, आप बेहतर हेल्थ डिसीजंस कर सकते हैं. जैसे डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं, आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं,
उसमें भी जो अर्जेस हैं आप रिजिस्ट करते हैं, स्मोकिंग आप रिजिस्ट कर रहे हैं, वो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर आता है. तो हेल्थ अच्छी होती है सेल्फ कंट्रोल के साथ. इसके साथ बेहतर एकेडमिक अचीवमेंट हो सकती है क्योंकि आप डिसिप्लिन होंगे, आप अच्छे ग्रेड ले सकते हैं. और इवन डिफरेंट हर प्रोफेशन में आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ रहा होता है. तो लाइफ के हर डोमेन में और रिलेशनशिप्स में खुद भी. अब हम बात फर्दर करते हैं डॉक्टर इसरार, अभी हम जैसे बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल, अगर मैं आपसे ये पूछूं स्पेसिफिकली कि हाउ डज सेल्फ कंट्रोल वर्क, तो आप किस तरह उसको डिफाइन करेंगे? और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें कि बच्चों में ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है मिडिल एज में आते हैं तो ज़्यादा होता है, या जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं? बिल्कुल. अच्छा, ये उस इम्पॉर्टेंस मामले में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आजकल कई रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा मैटर करता है. तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सक्सेस के लिए. और वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना इमोशनल IQ वाला, तो वो भी सेल्फ कंट्रोल से लिंक्ड है. क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमोशनली रेगुलेट कर सकते हैं चीज़ें, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में. और वो जो दूसरी चीज़ आपने बात की कि सेल्फ कंट्रोल के पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, अच्छा उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में देना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन्स जो होते हैं ना, हमारा दिमाग जो है वो दो तरीके से फंक्शनिंग करता है. एक दिमाग होता है उसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, वो इंस्टेंटली डिसाइड करता है, फ़ौरन से डिसाइड करता है, इम्पल्सिव होता है. ठीक है, और वो चाहता है कि चीज़ें फ़ौरन से हों. जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है वो चाहता है कि अगर उसको भूख लगी है तो फ़ौरन से उसको खाना मिल जाए, और वो फ़ौरन से रिवॉर्ड मांग रहा होता है. ठीक है, तो ये तो इमोशनल ब्रेन होता है और यही स्नैपी डिसीजंस भी लेता है, फ़ौरन से डिसीजंस लेता है. और दूसरा ब्रेन होता है वो होता है रेगुलेटरी ब्रेन, वो इनहिबिट करता है, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, थिंकिंग ब्रेन जिसको हम कहते हैं. तो सेल्फ कंट्रोल जो एस्पेक्ट है वो थिंकिंग ब्रेन का है. मतलब अगर आपको कोई इम्पल्स आती है, जैसे अगर हम एक मिसाल ले लें कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको पता है कि उसको परहेज़ है मीठी चीज़ों से, लेकिन उसके सामने अगर कोई डिज़र्ट आता है तो अब इमोशनल ब्रेन तो ये चाह रहा होगा कि वो डिज़र्ट वो फ़ौरन से खा ले. ठीक है, क्योंकि वो उसका डिज़ायर है. लेकिन जो आपका थिंकिंग ब्रेन होता है, जो आपका रेगुलेटरी ब्रेन होता है, जो उस चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये उसका काम होता है कि वो सेल्फ कंट्रोल एग्जर्ट करता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, और वो उसको रोकता है. ठीक है, तो एक चीज़ ये एक बिल्कुल, और सेल्फ कंट्रोल को आप यानी कि रेगुलेटरी ब्रेन के साथ लिंक करते हैं, ये उसका फंक्शन होता है. दूसरे इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि एक मसल की तरह, जिस तरह मसल्स होते हैं आप जितना ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो थक भी जाते हैं. जैसे अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप थकना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल फटीग होना शुरू हो जाती है. तो सेल्फ कंट्रोल भी ना एनर्जी रिक्वायर करता है. तो अगर आप सुबह के वक्त से लेकर शाम तक कोई ना कोई सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपका सेल्फ कंट्रोल कम होना शुरू हो जाए एज़ टाइम प्रोसीड्स. उसकी एक मिसाल है, ये भी देखा गया है, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि हम जब सुबह उठते हैं, जब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं तो हमें गुस्सा भी कम आ रहा होता है. जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो हमें अपने पे सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि ये एक एनर्जी की तरह है, जिस तरह आप उसको यूज़ करते रहते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है. तो उसकी वर्किंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा हो गए कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं या जिनसे इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है. जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें बहुत मैटर करते हैं. और ये भी कि कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब अब एक ही वक्त में मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं. उसी की मिसाल अगर हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके पास एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. टीवी भी है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसको इन्वाइट कर रहे हैं एक मूवी पे जाने के लिए, अब और उसकी जो पढ़ाई हो रही है वो उस वक्त उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो चांसेस होंगे कि सेल्फ कंट्रोल मेंटेन रखना मुश्किल होगा. ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेम्पटेशंस होंगी उतना ज़्यादा आप ड्रेन होंगे आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने में. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज़ करें. तो इन्वायरमेंट इसलिए रोल प्ले करना शुरू कर देता है. और इन्वायरमेंट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आती है कि आपने देखा होगा कि ये जो थिंकिंग ब्रेन और की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये कंट्रोलिंग एस्पेक्ट से भी मैनेज होता है. मतलब मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि अगर एक स्मोकर है वो अकेले में स्मोक कर रहा है, लेकिन अगर फ़ौरन से उसके पेरेंट्स उधर उस कमरे में आ जाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है. क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना वो आपकी हेल्प करते हैं आपके ब्रेन की. अगर कुछ रूल्स हैं आपके सामने, अगर रूल्स रख दिए जाएँ तो जो आपका थिंकिंग जो ब्रेन है उसको काम करना आसान हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल एग्जर्ट करना आसान हो जाता है. और इसकी वर्किंग में जो एक तीसरा एस्पेक्ट मैं ऐड करना चाह रहा था कि वही मसल वाली मिसाल है कि यकीनन ऐसे होता है कि विद टाइम आपकी सेल्फ कंट्रोल दिन के साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ आप थकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप रिकवर करते हैं तो आप पहले से स्ट्रांग हुए होते हैं. जैसे रमज़ान में होता है, आप
पहला रोज़ा रख रहे होते हैं आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जैसे टाइम प्रोसीड करना शुरू कर देता है आपकी पेशेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के साथ इंक्रीज भी कर जाता है। तो इसमें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग मिसाल देना चाहूँगा कि एक रिसर्च हुई हुई है, डिफरेंट रिसर्चेज हैं जिसमें कहा गया है कि अगर स्मोकिंग उसको अगर आपने स्मोकर्स को स्मोकिंग से वो एब्सटिनेंट होना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, तो उनको अगर एडवाइस किया जाए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज में भी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। आप रोज़ाना एग्जर्ट करते हैं तो वो फिज़िकली सेल्फ कंट्रोल एग्जर्ट करने की वजह से उनके स्मोकिंग छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो वर्किंग है उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर एक किसी एक डोमेन में आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या आप अपने रवैये को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बाकी एस्पेक्ट्स पे भी उसका अच्छा असर पड़ना शुरू हो जाए। सेल्फ कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब डॉक्टर सर, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम सेल्फ कंट्रोल जो है उसको रेगुलेट अपनी लाइफ में कर सकते हैं? जी, काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं कुछ जिक्र करता हूँ। एक तो एक देखिए, इसमें एक एग्ज़ाम्पल से आप जहन में रखिएगा, जैसे हमारे पर्सपेक्टिव, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, जो करीब की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। जैसे एक चेयर है वो हमारे बिल्कुल सामने पड़ी होगी तो वो हमें बड़ी लग रही होगी, लेकिन अगर हम उसको दूर करते जाएंगे तो वो छोटी हो जाती है। तो इसी तरह हमारा ब्रेन हार्ड वायर हुआ है कि जो करीब की चीज़ें हैं ना वो हमें ज़्यादा इंटाइस करती हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं हमारी। जैसे आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स होते हैं वो आपके लिए आसान होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिए ज़्यादा आसान होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर एक शख्स सेल्फ कंट्रोल डाइटिंग में करना चाह रहा है कि मैं एक साल में मैं 2 या 3 kg या 5 kg मैं वेट लूज़ करना चाहूँगा, अब एक साल वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, 6 months वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स कर रहे हैं वो आपके लिए आसान होता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी सेल्फ कंट्रोल की ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर देते हैं, मतलब आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स करते हैं। एग्जैक्टली, यानी कि अगर हम वही स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई करें तो स्टूडेंट ये वेट नहीं कर रहा कि मैं एक साल के बाद एक ग्रेड लूँगा, और आप रोज़ाना अपने आप को एक तरह से पनिश करते हैं और पढ़ते हैं और आप कोई रिवॉर्ड नहीं ले रहे होते, उसके ऊपर आप कंटिजेंसीज रख देते हैं, मतलब आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रख लेते हैं अपनी एफर्ट के ऊपर। आप अगर रीडिंग कर रहे हैं, आप एक आवर के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड दे देते हैं, आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप एक पूरे दिन की कंप्लीशन, काम की कंप्लीशन के बाद आप बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं। तो आप लिंक ग्रेड्स को एफर्ट के साथ नहीं कर रहे, आप अपनी एफर्ट के साथ कुछ रिवॉर्ड्स जो इमीडिएटली मिलने वाले हैं उनको लिंक अप कर रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए रोज़ाना वो चीज़ प्रैक्टिस करना, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना आसान होता जाता है। इसको कहते हैं रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक तो ये टेक्निक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज़ करना है, कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगे हैं जिसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती जाएंगी उतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एक ये टेक्निक होती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको कहते हैं कि आपने ना कुछ डिसीजंस अपने ऑटोमेटिक करने हैं, मतलब इसको कहते हैं डिसीजन फटीग, उससे आपने अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक ही दिन में मल्टीपल डिसीजंस करते जाएंगे तो हो सकता है आपको सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि जैसे फर्स्ट करें आप सुबह उठते हैं और आपका मूड अच्छा नहीं है और आप अपना मूड रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आप जाते हैं और आप अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं, कोई एक दूसरा बंदा बुरी बात कर देता है, आप वो भी कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट ऐसा है, आप अपने गुस्से को जब्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा शाम को जाके छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा, तो ये करना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बारे में एक स्ट्रेटजी ये होती है, जिस तरह इसमें जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, ओबामा के बारे में कहते हैं कि वो एक ही रंग की टाई पहनता है और एक ही रंग की शर्ट पहनता है, क्योंकि वो अपने डिसीजन लिमिट करना चाह रहे हैं, ताकि हर अनड्यू चीज़ के ऊपर आपको डिसाइड ना करना पड़े, क्योंकि डिसीजंस जब आप लेते हैं वो भी वही एनर्जी रिक्वायर कर रहा होता है, वो भी वही एनर्जी यूज़ करता है जो सेल्फ कंट्रोल के लिए चाहिए होती है। तो स्टीव जॉब्स के बारे में भी कहते थे उसने हमेशा ब्लैक रंग का टर्टल नेक पहना होता था, ब्लू रंग की जीन्स पहनी होती थी, ताकि एनर्जीज रिजर्व रहें आपकी मेजर डिसीजंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर इशरात, दैट वाज रियली हेल्पफुल। हमने आज बात की सेल्फ कंट्रोल के ऊपर और किस तरह ये वर्क करती है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एज वेल इन आवर लाइफ्स। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं और हमें अगर चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक कवर करें तो हमें लिख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।